हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। हम चर्चा करते आ रहे थे ऑपोजिट फ्लो पर, मेरिडियंस में किस प्रकार ऑपोजिट फ्लो होता है। तो आज हम इस चर्चा में स्पाइरल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो पर बात करेंगे कि किस प्रकार स्पाइरल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो हम प्लॉट करते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज है। पहली कि इसमें हमें वर्टिकल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो का पता होना चाहिए, और दूसरी हमें स्पाइरल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो पता होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस प्रकार हम स्पाइरल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो बनाते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं स्पाइरल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो पर। इसके लिए ये लेफ्ट इंडेक्स फिंगर प्लॉट करी है। यहां पर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे स्पाइरल नॉर्मल फ्लो दिखाएंगे और इस तरफ स्पाइरल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो दिखाएंगे। ये वात पित्त एंड कफ जॉइंट्स हैं, वात पित्त एंड कफ जॉइंट्स हैं, VPK। ठीक है, तो अब हमने कहा सबसे पहले कि हमें वर्टिकल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो पता होना चाहिए। तो अगर हम कोई भी वर्टिकल लेते हैं तो उसका नॉर्मल फ्लो होता है कैसे, 0, 1, 2, 3 ऑन द पित्त जॉइंट, 0 ऑन द कफ जॉइंट, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। इस प्रकार से इसके पॉइंट्स होते हैं नॉर्मल फ्लो में वर्टिकल मेरिडियन के, VM। वर्टिकल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो में इस प्रकार से पॉइंट्स लगते हैं। तो हमने कहा कि हमें वर्टिकल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो पता होना चाहिए जिसमें हम स्पाइरल की ऑपोजिट फ्लो प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए ऑपोजिट फ्लो मतलब अब ये रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे हम, तो जहां 9 था वहां 0, 1, 2, 3 आ जाएगा वात जॉइंट पे, 4, 5, 6 ऑन द पित्त जॉइंट, 7, 8 and 9 आ जाएगा कफ जॉइंट पे। तो ये हो गया रिवर्स ऑर्डर। अब है कि हमें ये समझना है कि हमारा स्पाइरल का नॉर्मल फ्लो क्या होता है। उसके लिए लेट्स कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं हमारी 0 स्पाइरल पे प्लॉटिंग। सो लेट्स कंसीडर 0 SPM, इसका नॉर्मल फ्लो प्लॉट करते हैं। नॉर्मल फ्लो क्या था, तो उसके लिए अगर जरूरत हो आपको तो नॉर्मली ये लिख लीजिए 1, 4, 2, 3, 6, 7, 9, 8 and 5। तो ये आप लिख लीजिए जिससे आपको नॉर्मल फ्लो प्लॉट करना आसान हो जाए। तो 0 स्पाइरल लिए हैं तो 0 पर ही उसका 0 रहेगा, यानी कि 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5 पीछे हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 and 9। ये हो गया नॉर्मल फ्लो, स्पाइरल 0th स्पाइरल का नॉर्मल फ्लो। तो अब हम देखते हैं हमारा 0 स्पाइरल ऑपोजिट फ्लो इसमें कैसे लगाएंगे। तो पहला स्टेप हमने पार कर लिया कि हमने अपनी हॉरिजॉन्टल्स को रिवर्स कर दिया, वर्टिकल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो की तरह हमने सारी हॉरिजॉन्टल्स को रिवर्स कर दिया। तो जब ये रिवर्स हुई है तो इसमें एक एडिशनल होता है कि जो हमारा 9th वर्टिकल बनती है, अगर हम 0 स्पाइरल ले रहे हैं तो उसकी 9th वर्टिकल ये वाली है, तो इसके स्थान पर 0 VM हो जाएगी। यानी कि ये 9th जो है वर्टिकल मेरिडियन की प्लॉटिंग वो चेंज होके वो, तो ये जो वर्टिकल हमारी रहेगी ये हो जाएगी हमारी 0 VM, और बाकी उसके अकॉर्डिंग जैसा कि हम जानते हैं 0, 1, 4, 5, 8 एक साइड एंड 2, 3, 6, 7 and 9 ये दूसरी साइड। तो अंगूठे की तरफ हमारा चलेगा 1, 4,
बैक साइड ये रहेंगे और इस साइड रहेगा 2 3, और फ्रंट साइड में जो वर्टिकल्स आएंगी उसकी होगी सेंटर में 9 0 की जगह, तो इस तरफ रहेगा हमारा 7 एंड 6 एंड इस तरफ रहेगा हमारा 5 एंड 8। तो ये प्लॉटिंग हो गई हमारे वर्टिकल्स की। अब हम स्पाइरल का ऑपोजिट फ्लो लगाते हैं। रूल क्या है कि इट विल फॉलो स्पाइरल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो, ठीक है। तो स्पाइरल मेरिडियन का नॉर्मल फ्लो क्या है, जहां पर जीरो है मतलब जीरो वर्टिकल एंड जीरो पॉइंट आएगा, जीरो हॉरिजॉन्टल एंड जीरो वर्टिकल के मेल पर। तो ये हो गया जीरो पॉइंट और ये हो गया जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी। तो इस लाइन पर अब जीरो कहाँ है, इस जगह है, यानी कि दिस विल बी जीरो नंबर पॉइंट ऑफ जीरो स्पाइरल ऑपोजिट फ्लो। वन कहाँ आएगा, दिस इज वन, ये वन वाली हॉरिजॉन्टल है, और वन वर्टिकल कहाँ है, यहां पर। तो इसके इंटरसेक्शन पे आएगा यहां पर हमारा वन नंबर पॉइंट। टू कहाँ है, ये वाली हॉरिजॉन्टल है और टू ये वर्टिकल है, यानी कि इस जगह आएगा टू नंबर पॉइंट। अब थ्री है हमारा वाच जॉइंट और थ्री वर्टिकल है हमारी ये कॉर्नर में, इस साइड जो पीछे चलती है, तो इस जगह आएगा हमारा थ्री नंबर पॉइंट कॉर्नर पर, ठीक है। फिर फोर नंबर पॉइंट, फोर किधर आएगा, इस साइड, ये फोर्थ हॉरिजॉन्टल और ये फोर्थ वर्टिकल, एंड फिफ्थ हॉरिजॉन्टल एंड फिफ्थ वर्टिकल कौन सी है, ये वाली है। सो ये वाली पर फिफ्थ वर्टिकल फिफ्थ नंबर का पॉइंट आएगा हमारा यहां, सो दिस इज फिफ्थ नंबर का पॉइंट। सिक्स नंबर का पॉइंट रहेगा पित्त जॉइंट पे, किधर रहेगा, सामने की साइड में कॉर्नर पे, ये हो गया सिक्स नंबर का पॉइंट। फिर ये हो गया सेवन, दिस इज एट नंबर हॉरिजॉन्टल, तो अब सेवन नंबर हॉरिजॉन्टल एंड सेवन नंबर वर्टिकल जहां मिलते हैं वहां लगेगा हमारा सेवन नंबर का पॉइंट। एंड एट कहां लगेगा, जहां एट नंबर की हॉरिजॉन्टल एंड एट नंबर की वर्टिकल मिलती है, तो ये हो गया हमारा एट नंबर। नाइन कहां लगेगा, जहां नाइन नंबर की हॉरिजॉन्टल एंड नाइन नंबर की वर्टिकल मिलती है, तो ये हो गया हमारा नाइन नंबर का पॉइंट। अब देखिए, जब हमने सबसे पहले वर्टिकल मेरिडियन ऑपोजिट फ्लो सीखा था, तो ऑपोजिट फ्लो का एक नियम था कि जिन सीढ़ियों पर आप चढ़ के ऊपर जा रहे हो उसी सीढ़ियों पर से पैर रख के आप नीचे आ रहे हो। तो जस्ट देखिए, मिलाइए पॉइंट्स, ये नाखून के पीछे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, सो सारे पॉइंट्स वही हैं, सिर्फ इनकी नंबर बदल गई है। अब अगर इस पे हम अगर जीरो स्पाइरल नॉर्मल फ्लो पर 3 6 टोन 4 5 सीडेट लगाने कहें, तो क्या लगेगा आपका, 0 3 6, थ्री कौन सा है इसका, जीरो स्पाइरल का थ्री नंबर पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट लगेगा। और सिक्स नंबर पॉइंट कहाँ आता है, ये आता है, ये दो एंड 4 5, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो ये चार पॉइंट्स आपको लगाने होंगे नॉर्मल फ्लो में। और यही अगर हम 3 6 टोन एंड 4 5 सीडेट ऑपोजिट फ्लो पे करेंगे, तो कौन से पॉइंट्स लगेंगे, 3 एंड 6, ये है 3 और ये है हमारा 6 एंड 4 5, ये है 4 5 सॉरी, एंड ये है हमारा 4। तो ये चार पॉइंट्स लगेंगे।
तो ये आज हमने देखी स्पाइरल मेरिडियन, जीरोथ स्पाइरल मेरिडियन का ऑपोजिट फ्लो। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोस में ये चर्चा जारी रखेंगे स्पाइरल मेरिडियन के ऑपोजिट फ्लो पर। स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस। थैंक यू सो मच।